पूरे देश समेत इस वक्त बिहार में भी तालिबान का मुद्दा छिड़ा हुआ है। पिछले दिनों आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मंच से कहा था कि देश में आरएसएस तालिबानी है, इस पर अब विवाद शुरू हो गया है। जेडीयू और बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो नसीहत दे रहे हैं कि जगदानंद सिंह काफ़ी वरिष्ठ नेता है, वो ऐसे बयान दे रहे हैं शोभा नहीं दे रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ आरजेडी के विधायक और प्रवक्ता रामानुज प्रसाद है। सर, आपके नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो है लगातार बयान दिए हैं कि तालिबानी है, आरएसएस को तालिबानी नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ही ये स्टैंड नहीं है, समझ नहीं है, बल्कि हम सभी का, हमारी पार्टी की ये समझ है और हम सब लोग ये समझ रखते हैं कि जो तालिबान का करैक्टर है, जो उसका वर्क एटीट्यूड है, उसका डे टू डे का डीलिंग है, सेम आरएसएस का है, बल्कि उससे भी ख़राब है। अध्यक्ष जी ने तो कम कहा, मैं तो 3 दिन पहले कहा था अपने क्षेत्र में, यहाँ शायद आप लोगों ने पढ़ा, अखबार में वहाँ छपा था, तो उससे भी बुरी स्थिति में है। तालिबान तो सीधे लड़ता है, कहता है शरिया का कानून मानो, महिलाओं बुरका पहनो, घर में बैठो, काम मत करो, पढ़ो मत, यहाँ भी लव जिहाद होता है, यहाँ भी मारने के लिए करता है, यहाँ भी करता है, कौन ड्रेस करता है, यहाँ भी ये होता है, लेकिन यहाँ अफसोस ये है कि यहाँ चाशनी लगा के करता है। यहाँ तो और ज़्यादा खराब, मैं तालिबान से भी मैं खराब मानता हूँ आरएसएस को, ये दुमुहा है आरएसएस, तालिबान तो एक मुहा है, वो सीधे जैसे बार करता है, सीधे दखल करता है, सीधे कब्जा करता है, मार करता है, और ये जो मुहापन करता है, ये एक तरफ जो है जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनको भी तबाह करता है और उनके नाम पर सियासत करता है, पुलवामा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, इमरान, कुरान, एनआरसी, सीएए, और दूसरे तरफ जातीय आधारित जनगणना नहीं कराएंगे, आरक्षण नहीं देंगे, संविधान अम्बेडकर साहब का बदल देंगे, पाठ्यक्रम में जो है सो गोलवरकर, असरवरकर, नाथुराम गौडसे का ये करतूत को पढ़ाएंगे, और समाजवादियों का, गांधीवादियों का जो सोच रहा है वो बच्चों को पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है। ये तो ज़्यादा दुमो है, अध्यक्ष जी ने कम कहा, मेरी तो मानता है कि वो तालिबानियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। सर, आप तालिबान को सही कह रहे हैं, आरएसएस से सही तालिबान को कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों खराब, लेकिन उससे भी ज़्यादा खराब आरएसएस। तालिबानी सीधे बार करता है, आई दुमुहा छुप के कई तरीके का बार हमारी किस्मत पर करता है। ये गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है तालिबानी, अपने एक ही कर सकता है। तालिबानी भी अपने धर्म के लोगों को भी, अफगानिस्तान के लोगों को भी, मुसलमान को भी कर रहा है कि शरिया के कानून मानो, मत पढ़ो लिखो, मत ब्रॉड बनो, मत एडवांस बनो। उसी तरह से यहाँ भी होता है मॉब लिंचिंग, यहाँ भी होता है लव जिहाद, यहाँ भी समय समय पर उसका एमपी, उसका भगवा एमपी, उनका ये बोलते रहते हैं, उसके एमएलए बोलते रहते हैं। सर, आरएसएस इतनी बड़ी संगठन है, भाई संगठन तो तालिबानी भी बहुत है, आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठन तो बहुत बड़ा हो ही जाता है किसी भी धर्म का। जब धर्म का हफीम ऐसा है, आरएसएस है तो कोई अति पर थोड़ी है, समतामूलक समाज बनाने की अवधारणा पर थोड़ी है, कट्टरपंथ पर है, कट्टरपंथी है, दक्षिणपंथी है। यानी कि तालिबान सही है? मैं तालिबान भी गलत और उससे गलत आरएसएस। अभी सुनो, आप ऐसे कहां ले जाना चाहिए, तालिबान सही मैं नहीं कर रहा हूं, तालिबान गलत और आरएसएस उससे ज्यादा गलत, ये दो मुहा, वो एक मुहा। हमारे साथ थे राजद के विधायक और प्रवक्ता रामानुज प्रसाद, जिनका कहना है कि तालिबान से भी विनाशक है आरएसएस। तालिबान जो है सीधा सीधा हमला करते हैं, लेकिन ये दुमुहा सांप की तरह है, तो बड़ा हमला किया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष से भी एक स्टेप आगे बढ़ करके रामानुज प्रसाद ने आरएसएस पर हमला किया है, बीजेपी के नेताओं को जवाब दिया है। अब देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है विपक्ष की तरफ से, ये आपको बताएंगे। तब तक नमस्कार।